ये देखो ये मीठा जो चीज है वो नमकीन के अलावा मिठाई को ढक के रखना है। जला हुआ तेल भाई वापस हाँ उसको फेंकते थोड़ी हाँ हाँ ये टंकी पानी की साफ हो जानी चाहिए और गंदा पानी का यूज किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैं। फिर कार्रवाई करूंगा कौन सा तेल है इसके बिल पेश करो मेरे को। कौन सा टंकी को जब्त कर लो। हटाइए अभी आप टंकी का यूज करेंगे ये टंकी कब साफ की आप लोगों ने क्यों सर जी कब की साफ हुई है ये देखो ऊपर मच्छर पड़े हुए हैं ये पानी में आ रहा है तो साफ करोगे ना चल जो इसको कौन है टंकी वाला सर ये आज जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कहाँ का निरीक्षण किया आज तहसीलदार साहब कोटड़ा के साथ में मैंने और जाते में कस्बा कोटड़ा में पूरा विजिट किया। मार्केट के अंदर जो मिठाइयों की दुकान है प्लस जो खाद्य सामग्री बेचते हैं उन लोगों को चेक किया तथा तहसीलदार साहब द्वारा उन लोगों को अल्टीमेटिव भी दिया गया। जो मिठाई वाले जो मिठाइयों को ढक के नहीं रख के उनको आवश्यक हिदायत की गई तथा साथ ही उनके तेल और घी को चेक भी किया गया मिठाइयाँ भी चेक की गई और ये हमारे एसपी साहब जिला उदयपुर के आदेश के अनुसार आगे भी जारी रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रखना हमारी ड्यूटी है। सभी लोगों को आवश्यक हिदायत की गई है और इस दीपावली के त्यौहार पर बाहर से कोई मावा नहीं आवे इस बारे में भी दुकानदारों से बातचीत की गई है और आगे भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सतत हमारी चेकिंग अभियान रहेगा तथा मार्केट में जो दुकानदार बाहर जो सामान रखते हैं जिससे यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होती है उसके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई की है और कई व्यापारियों की हमने मीटिंग लेकर के और आज दुकानदारों से हमने बातचीत करके उनसे समझाइश भी की गई है। साथ ही कस्बा कोटड़ा के अंदर जो टैक्सी यूनियन है उसकी भी मीटिंग ली है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए उनको आवश्यक हिदायत की गई है। यहाँ के जो 3 स्टैंड थे उनको हमने निर्धारित किया है तहसील के सामने वाला और गड़ी रोड बस स्टैंड एवं बॉम्बे होटल मांडवा रोड पे इन टैक्सी यूनियन चालकों से बातचीत करके यातायात को व्यवस्थित करवाया गया है। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए हमने कस्बे में विभिन्न पॉइंटों पे हमारा जाब्ता तैनात कर रखा है। साथ ही सादा वस्त्रधारी में हमारे सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं। असामाजिक तत्वों पर और शराबियों पर हमारी निगरानी जारी है और जो भी कोई बदमाशी करता हुआ पाया गया या जिसके विरुद्ध कोई भी शिकायत मिली है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।